हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर की हिंदी। आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी गद्य, उद्भव और विकास हिंदी का। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अभी हम बहुत सारे लेसन जो हैं यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यूनिट नंबर थर्ड और यूनिट नंबर फोर में से किसी भी एक लेसन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो यूनिट नंबर फोर को आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। यूनिट नंबर फोर के अंदर यहाँ पर दो स्टोरी दे रखी है। नाटक है एक अंधेर नगरी, भारत तेंदु के द्वारा जो लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी के अंदर आखिर इन्होंने क्या बोला हुआ है और ये स्टोरी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो आपकी यूनिट नंबर फोर है, यूनिट नंबर फोर के अंदर हाँ जी, तो यूनिट नंबर फोर के अंदर जो है अंधेर नगरी आपकी जो स्टोरी है, इस स्टोरी को देख लेते हैं सबसे पहले कि इस स्टोरी के अंदर क्या बोला गया है और ये स्टोरी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो स्टोरी की शुरुआत होती है किस तरीके से। सबसे पहले भारत तेंदु के समस्त नाट्य साहित्य में अंधेर नगरी एक प्रहसन होते हुए भी अपने कथ्य के कारण सदा प्रासंगिक, जीवंत और बहुचर्चित है। तो आपको पता होगा अंधेर नगरी जो एक स्टोरी है ना, वो कई बार जो है टेलीविज़न पर दिखाई गई है, कई बार जो है अपने बुकों के अंदर पढ़ी होगी, बहुत सारी किताबों के अंदर आपको जो है अंधेर नगरी वाला जो लेसन है वो मिल ही गया होगा। इस नाटक का आधार नीति परक शैली में बंदी कथा से है। अब इसके अंदर आखिर होता क्या है, इसमें बताया गया कि एक महंत, यानी कि एक अपने जो संत जी होते हैं, जो महंत होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने दो शिष्यों नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ में एक ऐसी विचित्र नगरी में पहुँचते हैं जिसे अंधेर नगरी कहते हैं, और जो चौपट राजा के अधीन है। चौपट राजा का मतलब कि राजा में बुद्धि ही नहीं है, और यहाँ हर चीज़ टके शेर मिलती है, भाजी भी और खाजा भी। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको यहाँ पर जो है मीठा खाना है या कोई आपको चटपटा खाना, कुछ भी खाना है, वो सब आपको जो है टके शेर यानी कि बहुत सस्ते दाम पर मिलती है। अब भिक्षा में प्राप्त 7 पैसों से गोवर्धन दास महंत के आगे ढेर सारी मिठाइयाँ लाकर इस नगरी का परिचय देता है। वो बोलते हैं जी देखो, ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है, 2 पैसा पास रखने से ही मज़े से पेट भरता है, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब जो उसका शिष्य होता है वो ऐसा बोल देता है, सिद्ध पुरुष महंत के लिए ऐसी नगरी में एक क्षण भी ठहरना संभव है, क्योंकि सेत सेत सब एक से हैं, जहां कपूर कपास, ऐसे देश कदूस में कबू न कीजिए कास। अब उन्हें कभी ना कीजिए बास। उन्हें क्या बोला कि अगर हम कपास की बात करें, कपूर की बात करें, जहाँ पर सब कुछ सेम सा है, तो वो बताते हैं कि भाई लालच है और यहाँ पर ऐसी जगहों पर नहीं रहना है। गुरु की चेतावनी के बाद में भी गोवर्धन वहीं रहता है, इसलिए महंत और नारायण दास चले जाते हैं। अंधेर नगरी में कबाब, चने, मिठाई, सब्जी, मछली, नमक, घी, चीनी, चावल, सब कुछ टके शेर मिलता है, और ऐसी अद्भुत नगरी के राजा के पास एक फरियादी न्याय की पुकार के लिए प्रार्थना करता है कि उसकी बकरी जो है कल्लू बनिए की दीवार के नीचे आकर दब गई। राजा की न्याय दृष्टि भी इस व्यवस्था की तरह टके शेर पर चलने वाली है। तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जय के यहाँ भी ना हो। तो अब प्रमाण सामने है कि बात बनाने की कला में प्रवीण कल्लू बनिए, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडेरिया, बच निकलने के लिए बकरी तक जाने का मृत्युदंड जो है कोतवाल को मिलता है। परंतु कोतवाल साहब दुबले और इन लोगों ने महाराज से अर्ज किया था कि इस पर हुक्म हुआ है कि मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा तो होनी चाहिए, अब नहीं तो क्या होगा, न्याय ना होगा। बल्कि इसलिए जो है मुटिया रही गर्दन वाले गोवर्धन दास को ही प्यादे पकड़कर ले आते हैं, क्योंकि क्या होता है वो खा खा के थोड़ा मोटा हो जाता है, अब इस वजह से वो फंस गया। तो शिष्य की पुकार पर महंत उसे इस संकट से उबारने के लिए पहुंच जाते हैं। नीति और कौशल से काम लेते हुए महंत घोषणा करते हैं कि वह स्वयं फांसी के तख्ते पर चढ़ेंगे, क्योंकि वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो भी इस फांसी पर चढ़ेगा वो अगली बार दोबारा इस राज्य का राजा बनेगा। अब ये बोलते हुए वो पहले बोलते हैं कि भाई आप मेरी बातों में जो है हाँ में हाँ मिलाना, और इस तरीके से ये दोनों अपनी एक जो है रणनीति बना लेते हैं। नीति और कौशल से काम लेते हुए महंत घोषणा करते हैं कि वह स्वयं फांसी के तख्ते पर चढ़ेंगे, क्योंकि इस मुहूर्त पर जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। और ऐसा शुभ संवाद सुनकर गोवर्धन, मंत्री, कोतवाल सभी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु सबसे पहले तो राजा का ही अधिकार होता है, इसलिए अपने कर्म का फल भोगता हुआ वह फांसी पर चढ़ जाता है। ऐसी अंधी व्यवस्था का ऐसा अंधा परिणाम होना ही था। तो जहाँ ना धर्म बुद्धि, ना नीति, ना सृजन समाज, ते ऐसे ही आपू ही नशे जैसे चौपट राज। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ये पूरा लाइन लिख के बताई गई है कि वहाँ पे जो राजा था वो क्या करता है, वो उस चीज़ को ध्यान नहीं देता और सीधे वो फांसी पे चढ़ जाता है। अब भारतीय जीवन दृष्टि के मूलभूत सिद्धांत कर्मफल की प्रतिष्ठा के लिए महंत और उसके दो शिष्यों के प्रसंग का विधान किया गया है। नारायण दास तो महंत की तरह साधु और संयमी हैं, पर गोवर्धन दास साधु होते हुए भी लोभ लालच में फिसलने वाला है। अंधेर नगरी के टके शेर भाजी और टके शेर खाजा के चमत्कारी आकर्षण में उसका गिरना स्वाभाविक था। इस व्यवस्था से लाभ उठाकर वह मुटिया अवश्य रहा था, परंतु ऐसी शासन प्रणाली से वह अपरिचित ना था जहाँ न्याय का आधार विवेक और औचित्य ना होकर केवल दंड विधान है। बकरी के दबने से जहाँ कल्लू बनिए के स्थान पर कोतवाल को दंड सुनाया जाता,
जहां लोभ रति में मुटिया रहे गोवर्धन दास को मोटी गर्दन के कारण फांसी के फंदे में बांधा जाए तो कोई आश्चर्य आश्चर्य ना होगा। पीड़ा और ग्लान का फल उसे अवश्य मिला, चाहे गुरु ने उसे मृत्युदंड से जरूर बचाया। जिस न्याय प्रणाली में निरही साधु गोवर्धन दास को पकड़कर फांसी पर चढ़ाने की बात होती है, उस चौपट राजा को कर्मफल मिलता है। इस प्रकार गोवर्धन दास और चौपट राजा के अनुभव से नाटककार यही नीति और शिक्षा देता है कि लोभ, अन्याय और पाप का नतीजा बुरा ही होगा। इस प्रसंग के सामयिक संदर्भ हैं। इसकी प्रेरणा बिहार के एक राजा जमींदार से ली गई है, जिसका सुधारने के लिए इसका लेखन हुआ। समर्पण की निम्न पंक्तियाँ तथा साथ साथ में उद्भव श्लोक इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इस प्रसंग का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष को लेकर हुआ था। जे स्वारथ रथ धर्त हंस से काक चरित रथ ते औरन इति बंची प्रभु ही नित होसी समुनंत सांच नाम निज करिए कपट तजी अंच बनाइए निज तारक हरि पद भजी सांच बढ़ाई पाइए। तो अब आपको देखो ये श्लोक तो याद तो होंगे नहीं, और श्लोक आपको याद भी नहीं करने, आपको स्टोरी समझनी है कि स्टोरी में क्या बोला गया है, इस पंक्ति के अंदर क्या बताया गया। देखो यहाँ पर उसका पूरा जो उदाहरण दिया गया है कि इस पंक्ति के अंदर परोक्ष रूप से बिहार के जमींदार राजा के संकेत हैं तथा प्रत्यक्ष रूप से तत्कालीन भारत और उसकी दुर्दशा की झलक भी दिखाई गई है। श्लोक में व्यंग कसा गया है कि चंदन आम या चंपा के वन को काट कर करील वृक्ष की जो रक्षा करता है, हंस मोर तथा कोयल को मारकर कोये की लीला में प्रेम रखता है, हाथी देकर गधा खरीदता है और कपूर तथा कपास को समान समझता है, जहाँ गुणी के लोगों के ऐसे विचार हों उस देश को नमस्कार। तो कहता है कि ऐसी स्थिति में तो क्या होगा, देश बिल्कुल बेकार है। तो भारत तेंदु अंग्रेजी राज्य व्यवस्था के सीमा तक प्रशंसक थे और उसमें राजभक्ति के स्वर सुनाई देते हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर जो है उन्होंने और भी चीज़ें बताई गई हैं और यहाँ पर श्लोक दिखाया गया है। और अंधेर नगरी के माध्यम से भारत तेंदु ने अंग्रेजों की शासन प्रणाली और न्याय व्यवस्था का भी पर्दाफाश किया और अपनी सत्ता और शक्ति के कारण चौपट राजा की तरह अंग्रेज क्रूर और कठोर थे। उनका गढ़ प्रयोजन था और उनके साम्राज्य को दृढ़ और सत्ता को मजबूत बनाकर अधिक से अधिक आर्थिक शोषण करना। चना हकीम सब जो खाते, सब पर दुना टिकस लगाते। अंधेर नगरी की तरह राजा अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था का आधार औचित्य अनौचित्य दोषी निर्दोषी व न होकर दंड विधान और उसका आतंक था। चौपट राजा सही गलत को परखे बिना तमोली को 100 कोड़े की सजा देता है। गोवर्धन दास इस नगरी में आकर सुविधावादी अवश्य हो गया, परंतु यहाँ की राज्य व्यवस्था का वास्तविक रूप उसे साफ दिखाई देने लगा। अब इस पंक्तियों में से अब आगे देखो क्या हुआ, इसमें स्टोरी पूरी की पूरी आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि इस स्टोरी के अंदर क्या था। तो इसमें अंधेर नगरी वाली जो स्टोरी थी उसके आगे आपको यहाँ पर और कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये स्टोरी का जो है पूरा का पूरा सारांश था जो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि इस अंधेर नगरी वाली स्टोरी के अंदर बताया गया था कि किस तरीके से लाभ जो है पाने के लिए लोभ और जो है त्याग, ये सब चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई है कि किस प्रकार से जो है अपने आप को अच्छी स्थिति में पाकर जो है इंसान किस तरीके से भटक जाता है। तो इस पूरी स्टोरी के अंदर यही दिखाया गया है कि अगर आप लालच करते हो तो लालच बुरी बला है और चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी